भी इसी तरीके से खेले जिग्नेश भाई पटेल, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे के मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, अंपायर का इशारा आ चुका है लेट्स प्ले का। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, लोकेश लोकेश कामली अरुण और प्रभात की प्रारंभिक जोड़ी, धुआंधार बल्लेबाज और पहली गेंद पर का पहाड़, गेंद गई बिल्कुल लॉन्ग ऑफ से ऊपर से, वन बाउंस चौका, ताबड़तोड़ करारा चाबुक शॉट। अरुण एक पहाड़ी खिलाड़ी है, बहुत ही लाजवाब, बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अरुण भाई मेरे अच्छे खासे दोस्त है और अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वही स्वागत किया है, चौके से खाता खोला है अपना और अपनी टीम का। और इस बार उठाकर खेला है, गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर गिरी है, लॉन्ग ऑन पर, एक रन चुरा लिया, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ पांच रन। अब आए प्रभात, प्रभात एक प्रभावशाली, बल्कि इनकी हाइट बॉडी पे न जाए, इनके बल्ले के ऊपर जाए, इनका बल्ला बहुत हल्ला बोलता है, बिल्कुल इनके लिए कहना चाहूंगा बाद में जब इनकी बल्लेबाजी लंबी होगी। लोकेश एक बार तैयार, मजबूत कड़ी इस टीम की, लोकेश कामली अच्छी गेंद बिल्कुल सामने डाली गई है, गेंद वहां आर्यन मौजूद है, आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ छह रन। पारी का पहला ओवर प्रगति पर है, तीन गेंदें हो चुकी है, तीन गेंदें आनी बाकी, अरुण स्ट्राइक पर मौजूद है, नॉन स्ट्राइक पर प्रभात मौजूद है, वही बॉलिंग मार्क पर जा पहुंचे लोकेश कामली, आर्यन कामली, केवल और भी सारे बहुत बड़े बड़े चेहरे इस टीम में, बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, मैदान गर्म है बिल्कुल, मौसम सुहाना है। और इस बीच अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली गई, यहां से गैप धूल निकाला था या नहीं, अच्छी फील्डिंग, यहां एक रन और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ सात रन। प्लीज जल्द मैच शुरू करे, देरी न करे, इस ओवर की अभी भी दो गेंद आनी शेष, स्कोर जा पहुंचा है सात रनों पर, पारी का ये पहला ओवर, सामना करेंगे प्रभात। ओके इस बीच अच्छी गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद सीधी कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इस ओवर की आखिरी गेंद, लोकेश की ये आखिरी गेंद, और यहां ना या ना, यस नो और जीवनदान, बहुत ही बड़ा जीवनदान, बड़ी मछली जाल में फंसी थी लेकिन प्रभात को जाल काटना आता है, गलती करी है यहां कीपर के हाथों से गेंद निकल गई, वरना यहां एक बड़ा खतरा, बड़ा झटका लग सकता था धर्म इलेवन को। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर सात रन बिना किसी नुकसान के धर्म इलेवन।
अब आए गेंदबाजी पर पकील कामली, अरविंद पकील कामली, बहुत ही होनहार अनुभवी और एकमात्र बिल्कुल कामली समाज के लिए कई बरसों से खेलते आते हुए बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफियां इन्होंने अपने हाथों में उठाई है। एक सपना है इनका कि एक ट्रॉफी शायद फैंसी कप की इनके हाथों में आवे। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, बाहरी किनारा, कीपर के हाथों का सहारा न मिला, एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। प्रभात को एक जीवनदान मिला था पिछली आखिरी गेंद पर, जीवनदान का फायदा कितना उठा पाते हैं देखना होगा। और ये जीवनदान का फायदा बिल्कुल टेढ़ी उंगली की और घी निकाला है चौके की रूप में, अंपायर का इशारा है अच्छा, गेंद की सीमा रेखा के पार, इसी 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचाए 2 अंकों पर 12 रन। प्रभात इनको जो जीवनदान दिया है, जीवनदान अब इस हर चौके से, हर सिंगल से, हर बड़े हिट से महंगा लगेगा, बहुत ही बड़ा जीवनदान कहूंगा, क्योंकि इस बंदे को, इस लड़के को मैंने खेलते देखा है बड़ी बड़ी पारियां। और यहां से अच्छी गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर खेली गई, 1 रन चुरा लिया, लास्ट लीग मैच में इनको आखिरी बार चौका लगा था, उसके बाद इस लीग में आज इनको पहला चौका लगा है अरविंद पकील कामली को। अरुण सामना करेंगे अरविंद पकील का, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई, मिड ऑन पर खेली गई शॉट, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद आनी शेष, बहुत बड़े बड़े चेहरे, भूपेश भाई है, ब्रिजेश भाई है, अरविंद पगिल कामली है, आर्यन कामली है, तो उसी तरीके से धर्म इलेवन में भी बहुत अच्छी गेंद थोड़ी सी ऊपर थी, 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। जहां तक धर्म इलेवन की बात करूं तो इसमें भी बड़े बड़े चेहरे आप देखने जाएंगे तो अरुण भाई खुद है, प्रभात है, हर्षल है, जिन्होंने कल हैट्रिक विकेट लिया है। इस ओवर की आखिरी गेंद पावर प्ले की, और इस बार मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, बिल्कुल थोड़े से आगे गए थे लॉन्ग ऑन की तरफ, तेरे बल्ले के सामने ये खुला मैदान क्या होगा अरुण भाई, तेरे बल्ले के सामने ये खुला मैदान क्या होगा, तुम तो हो ही लाजवाब, खुदा की कसम तुम्हारा जवाब क्या होगा। चौके से ओवर की समाप्ति, रन जा पहुंचे 19, 19 रन बन चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था, बिल्कुल करारा चाबुक शॉट, हिलने नहीं दिया यहां से फील्डर को, और गेंद बिल्कुल 2 बाउंस से चौके गई, और उस दिशा में चौके लगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हवा का बहाव दरिया के पानी के साथ थोड़ा जो बहता है, इस वजह से इस एंड से रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो सामने वाले एंड से बिल्कुल हमारी तरफ खेलना हो तो बहुत आसान। 2 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 19 रन, बिना किसी नुकसान के, एक मौका बना था प्रभात का आउट करने का, वो मौका गवाया है प्रभात, अभी तक महंगे तो साबित नहीं हुए, लेकिन 1 चौका और 2 सिंगल और 7 रन पे खेलते, वहीं 12 पे पहुंचे हैं अरुण। अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर क्लोकेस, पावर प्ले की पाबंदी समाप्त होती हुई, फील्ड खोल दी जाएगी, मैच में रंग में भंग आ सकता है, इस एंड से बड़े हिट लग सकते हैं, बड़े रनों की तरफ बढ़ती हुई धर्म इलेवन बहुत ही लाजवाब। और यहां से खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचाई 20 पर।
ये बल्लेबाज बड़ा हसीन है, ये रन बनाने का मशीन है और ये बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं, इनको रोकना होगा। अगर कामली समाज, कामली इलेवन को अगर रनों की रफ्तार को, रनों की गति के ऊपर ब्रेक लगाना है तो इस बल्लेबाज को टारगेट करना होगा। बहुत ही अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बिल्कुल गुड लाइन पर, बिल्कुल पैरों से थोड़ी आगे ऑफ की दिशा में गिरी थी और गिरने के बाद क्या खूबसूरत टर्न पकड़ा था, बिल्कुल अंदर की तरफ। लोकेश अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें डालने के लिए तैयार है, सामना करने के लिए तैयार। अरुण लकी नंबर 10 के ऊपर, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के करीब से गेंद को खेला है, बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के करीब, एक रन चुरा लिया, एक ही रन से संतोष करना होगा और इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के, गरम इलेवन। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद थी, यहां से एक रन मिलेगा और देखना होगा, एक ही रन से संतोष करना होगा। वहां डाई लगाई थी लेकिन रोक नहीं पाए और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। जहां तक प्रभात की बात करूं, प्रभात बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है लेकिन आज थोड़े से मूड में है, थोड़े से अलग मूड में है, उनको जो अपना जो आदत से विरुद्ध थोड़ी बल्लेबाजी करते हुए। तो वहीं अरुण भी सिंगल डबल से चौके से काम चला रहे, अभी तक किसी ने डबल लिया नहीं है, सिंगल और चौके आए केवल इस इनिंग में। और इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर जहां पहुंचा 23 रन बिना किसी नुकसान के, धर्म 11। आर्यन कामली मौजूद है, नतीजा 1 रन मिलेगा, ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते इस फील्डर के पास से क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फील्डर, बल्लेबाज, गेंदबाज, कीपर हरफन मौला, कामली समाज का उभरता हुआ सितारा आर्यन कामली। हमने करीब से देखी इनकी बल्लेबाजी लेदर बॉल में, टेनिस क्रिकेट में, उम्र में छोटा है, कद में छोटा है, छठा बम बड़ा धमाका, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं आर्यन कामली। प्रभात का निजी स्कोर 10 रन, वहीं अरुण का निजी स्कोर 14 रन, इस टीम का स्कोर 24 रन, बिल्कुल सीधा साधा 24। पारी के 3 ओवर समाप्त हुए हैं, अब छोड़ बदला जाएगा। हेलो, तो गेंदबाज आए हैं, परेश सामना करेंगे यहां प्रभात, मौका बना है, गेंद पुरानी हुई है, बड़े हिट की आवश्यकता। ओ माय गॉड, दिस इज अ बिग वन, बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए प्रभात। मैंने जैसे ही कहा कि बड़े हिट की आवश्यकता, पहले ही कहा कि जैसे गेंद पुरानी हुई अपना रंग रूप बदल सकते हैं, गेंद पुरानी, इन्होंने दिखा दी अपनी जवानी और उसके जोश में लगा दिया सिक्सर, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत शॉट, बिल्कुल फाइन लेग के ऊपर से हवाई यात्रा कराती हुई।
और इस बार युवा स्वीप अपनी पुरानी आदत। तो यहां से और इस बार युवा स्वीप खेलना चाहते थे और डॉट गेंद के साथ ये ओवर घटता हुआ। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अच्छा गेंदबाजी में वापसी करते हुए। और YouTube पे हमारे बहुत सारे चाहक इस मैच को लाइव निहारते हुए मजा लेते हुए मैच का मजा लेते हुए दमन में यूके में हर जगह पे। और यहां क्लीन बॉल, यू मिस आई हिट, चलता क्या। प्रभात को पहली गेंद पर लगाया था सिक्सर, उसके बाद लगा था डॉट, उसके बाद क्लीन बॉल, यू मिस आई हिट। जा विकेट का पतन, खूबसूरत गेंदबाजी, पहले हावी रहे थे बल्लेबाज, उसके बाद कमबैक किया गेंदबाज ने। बल्ला लगा था अंपायर का और यहां रन आउट, डायरेक्ट हिट। देखना चाहूंगा ये रन आउट थ्रो किसने मारा था। आर्यन ने बहुत ही खूबसूरत डायरेक्ट हिट, एलबी के रूप में विकेट मिला के नहीं मिला, लेकिन रन आउट के रूप में चलता कि आर्यन कामली ने। और यहां जड़ में डाली गई गेंद, एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। इस ओवर में बहुत कुछ घटा, पहली गेंद पर सिक्सर आया, उसके बाद लगातार डॉट, उसके बाद विकेट, उसके बाद रन आउट, उसके बाद सिंगल। ये ओवर में बहुत कुछ घटा है। ओवर ऐसा लग रहा था कि पहली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद बड़ा ओवर लग रहा था, लेकिन परेश ने अच्छी वापसी करी, बहुत ही खुश होंगे उनके कप्तान। तो चार ओवर के बाद मैं बता दूं कि चार ओवर के बाद विकेट गवाया प्रभात ने 16 पे, संदीप ने रन आउट के रूप में 0 पे, भावी को खाता खुलना बाकी है और वहीं बिल्कुल 15 पे खेलते हुए अरुण। और जब तक अरुण मौजूद है टीम की रीढ़ की हड्डी मौजूद, तो फिर काम बन सकता है धर्म 11 का। अच्छी वापसी करी वहीं गेंदबाज परेश ने, लोकेश ने अच्छी गेंदबाजी की, ज्यादा रन नहीं दिए, विकेट तो नहीं लिए, रन भी कम दिए। वहीं पकील कामली का जो ओवर था वो थोड़ा सा महंगा था, वो 12 रन आए थे। ने दौड़ी ने
और इस मुकाबले के बाद जो एक बड़ा मुकाबला होने को जाएगा वो तंडेल 11 वर्सेस धोनी 11 के बीच, तो बड़ा मुकाबला, अभी भी दो बड़ा मुकाबले बाकी, उसके बाद हलपति 11 वर्सेस फैंसी 11, तो दर्शक भी कहीं जाए नहीं, मैच का मजा आएगा सैटरडे संडे जब आएगा, और फैंसी का मैच हो तो पब्लिक का दर्शक का शाम के वक्त आना जरूरी है। नहीं गेंदबाज आए प्रफुल, और इस बार गेंद थोड़ी सी बाहर थी, अंपायर का इशारा व्हाइट, और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। जहां तक धरम 11 की बात करूं तो अपने दोनों पारमी मिल मुकाबले जीत चुकी है, वहीं कामली 11 भी अपना मुकाबला जीत चुकी है, दोनों टीमें अभी तक अविजेता है, तो यहां से कोई एक टीम हारेगी एक टीम अविजेता रहेगी। और इस बार ऊपरी किनारा लगा है, कीपर नीचे मौजूद है और आसान सा कैच, और अपना विकेट गवाया भाविक ने, अपना खाता खोला ही नहीं बल्कि गोल्डन डक का शिकार बने हैं। हैट्रिक विकेट लेने वाले बॉलर, उसके बाद बने महेंद्र हरपति और उससे पहले सबसे पहले बने हर्षल पटेल, तो इस ओवर की बाद में अपने साथी कमेंटेटर जो अपने लंच से फारिग हो चुके हैं, तो उनसे भी कहूंगा कि आप अपनी कुर्सी संभाल ले, जब तक आप थे मैच में मजा था, आप दूर चले गए तो मैच का मजा थोड़ा बिगड़ता हुआ। तो इस ओवर की एक गेंद हुई है, एक विकेट दो गेंदे, और इस बार आसानी से एक रन चुरा लिया, और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। इस ओवर की अभी भी तीन गेंदें आनी बाकी है, पहली गेंद वाइड डाली गई थी, उसके बाद सिंगल मिला, उसके बाद विकेट मिला, उसके बाद सिंगल, तो तीन गेंदें हुई है, तीन बाकी है, विकेट की गेंद लिखना भूल गए थे। इस बार मिडल ऑफ द बैट फील्डर नीचे मौजूद है शायद, और आसान सा कैच, केवल ने खूबसूरत कैच,
तो जैसे ही बल्लेबाज अरुण ने गेंद खेली और खुद ही चलते बने, क्योंकि उनको पता चल गया था कि केवल बिल्कुल सेफ हैंड है। तो बहुत ही आप देख सकते हैं, जैसे ही बल्ले पे गेंद लगी नहीं, वो सीधा चलते बने, न के रन के लिए, बल्कि उनको पता था कि ये कैच गया, सीधा उन्होंने क्रीज छोड़ के चलता ही कर दिया अपने आप को। अब आए हैं धर्म, गर्म होना पड़ेगा और आने वाली तीन ओवरों को संभाल के नहीं बल्कि बिल्कुल गर्म जोशी के साथ खेलना होगा। दो गेंदे बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर। इस ओवर में अभी तक कुछ ज्यादा घटा नहीं बल्कि विकेट ज्यादा घटी है। चार गेंदों में दो रन आए हैं, दो विकेट गिरी, एक वाइड आया है। और इस बार निचला हिस्सा लगा था, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचाया 35। इस ओवर की आखिरी गेंद, आंखों देखा हाल, आने वाली ओवर का सुनाएंगे हमारे रजनीकांत सर। एक हमारे रजनीकांत सर बड़े हैं और ये हमारे कमेंट्री के रजनीकांत बिल्कुल यहाँ मौजूद। तो इस गेंद के बाद आंखों देखा हाल सुनाएंगे, आखिरी गेंद इस ओवर की। और इस बार भारी किनारा, आसानी से रन नहीं मिलेगा। हर्षल यहां मौजूद है, इनका विकेट बहुत कीमती है। वहीं धर्म का भी ओवर की समाप्ति, तो मैं बता दूं पांच ओवर के बाद रन बने हैं 35। अरुण ने बनाए 12 गेंद में 16 रन, प्रभात ने बनाए 12 गेंद में 16 रन, और वहीं संदीप ने एक गेंद खेला गोल्डन डक का शिकार बने, भाविक ने एक गेंद खेला गोल्डन डक का शिकार बने, हर्षर एक पे खेलते हुए, धर्म एक पे खेलते हुए। तो सर आप आंखों दिखाल सुनाए अब आगे आने वाला। तो पहली बॉल पे यहाँ पे एक रन आता हुआ और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, चार विकेट के नुकसान पर 36 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जाने माने हर्षल भाई, कल के मैन ऑफ द मैच हर्षल भाई, हर्षल और यहाँ पे देखो निवासी मारने का प्रयास सफल भी हुए, क्या ये चौका आ सकता है? जी हाँ, ये चार रनों के साथ निकाल दिया गया इनको सीमा रेखा के पार। चार के साथ इस बार सीधे बल्ले से यहां पे सूर्य आगे, सूर्य आगे, और ये लगा है मैक्सिमम, देखना है कि अंपायर का इंतजार का इशारा करेंगे। क्या जबरदस्त लवली कनेक्शन बिटवीन बैट एंड बॉल। हर्षल भाई काफी खतरनाक मुद्रा में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 46। इस बारी वसीम बाने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए।
सफल नहीं हो पाया, गेंदबाज हो गए हैं सफल और इसी के साथ ये आउट। जिन्होंने ये दूसरा विकेट चार गेंदे हुई है दो बाकी है, चार गेंदे हुई है दो बाकी है, देखना है कि नए बल्लेबाज उपेन भैया है जो कि यूजफुल ऑलराउंडर है टीम के, देखना है कि वो क्या कर पाते हैं। फिलहाल बहुत बड़ा तूफान आकर के टल गया है हर्षल के रूप में, जिन्होंने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करी थी और उनको आउट करा करके भेजा है। आते ही पहली बॉल को बहुत शानदार हिट किया था लेकिन पर्याप्त नहीं था, एक हाथ से कैच किया और इसी के साथ ये आउट। दर्शक ने कैच किया, यस बॉल आउट, बॉल। अब फैंसी वॉच आपने प्राप्त कर लिया है, आ जाइए आकर के अपना नाम यहां पे नॉमिनेट कराइए। स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 53 रन, 5 विकेट। छह ओवर 5 विकेट के नुकसान पर 53 रन। राहुल आया है गेंदबाजी करने के लिए, प्रफुल आया है और ये शॉर्ट पिच बॉल उठा के मारा, गेंद हवा में है, क्या ये नो मैन लैंड एरिया में जाकर के गिरी है या सब विकेट कीपर वहां पे दौड़ करके कैच करने का प्रयास किया है। यहां पे थोड़ा सा रिस्क ये रन थे, दोनों रन यहां पे पहला तो आसानी के साथ पूरा कर लिया था लेकिन दूसरा जो है बड़ा रिस्की था और रिस्की रन यहां पे छुराया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55-5 टीम का स्कोर, 55-5। मुकुल टंडेल ने ये कैच किया है, इस बार देखो दिशा से भटके गेंदबाज, अंपायर हमारी ओर मुड़े और अभी देखो यहाँ पे ये 7वां और चल रहा है 8वां के बाद ही यहाँ पे एक तो टॉस होगा, नया मुकाबला जो होना है, तो हमारे मुकुल भाई ने कैच किया है जो एक हाथ से वन हैंडेड कैच किया था वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। और इस बीच इस ओवर की अगली बॉल राइट आर्म राउंड द विकेट, ये इस गेंद को उठा करके मारा है, गेंद जा रही है और ये चली गई 6 रनों के लिए।
हिट मारने का प्रयास किया था, चूक गए बल्लेबाज। तो मुकुल प्लीज आ जावे, अनिल भाई प्लीज इधर कैमरे के सामने आ जावे, यूट्यूब लाइव नजर आ रहा है। तो मुकुल भाई आप तो तंडेल टीम के, एक बॉल और एक रन, तो प्लीज इधर आ जाए मुकुल भाई, इधर आ जाए। और आपको एक दो शब्द बोलने भी हो गए, पैरों में चोट है, जबान में चोट नहीं, आप सामने देखो प्लीज कैमरे की तरफ। अनिल भाई के हाथों से फैंसी वॉच, दर्शक जो फील्डर है वो दर्शक बन के कैच पकड़े, शायद कप्तान ने कहा कि बाउंड्री रोड के बाहर खड़े रहे, फील्ड की प्रैक्टिस करे कैच की। तो आपको कैसा लगा ये फैंसी वॉच, और आपने वन हैंड के कैच पकड़ा, इसके लिए दो वॉच देनी चाहिए। थैंक यू अनिल भाई आपको भी कि आप यहाँ हमारे लिए पधारे। तो मुकुल भाई एक दो बातें कह दे, चाहे गुजराती में चाहे हिंदी में। थैंक यू सो मच फॉर फैंसी कप। मुकुल भाई जिन्होंने वन हैंडेड कैच पकड़ा, वो तंडेल 11 के अच्छी गेंदबाजी भी करी है, वो बल्लेबाज भी है, पैरों में थोड़ी सी चोट है शायद। थैंक यू, आप इसी तरीके से फील कर सकते तो और दो चार वॉच हमारे घर जमा हो सकती है। तो नए ओवर की पहली बॉल, अरविंद भाई आए गेंदबाजी करने के लिए, जिस पर की कोई रन नहीं है। धर्म पटेल और उपेन की जोड़ी मैदान के ऊपर, आखिरी ओवर पड़ाव पर। अनिल भाई राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल के ऊपर यहां पे एक रन निकाल करके उपेन काफी फॉर्म में खेल रहे हैं, उनको यहां पे मौका दिया है कप्तान धर्म ने। और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की समाप्ति के बाद, 7.2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 67 रन। उपेन तैयार है, सामने अरविंद भाई भी तैयार। हाँ ये देखो तेजी से बल्ला घुमाया, अगर ये लग जाता तो मुझे लगता है कि समंदर किनारे की ओर जाकर के गिरता, इतनी पावर मिली थी यहाँ पे, लेकिन ऐसा हो न सका। बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं हो पाया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गैदर किया। इस बीच टीम के कप्तान धर्म यहाँ पे कुछ समझा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से आपको बाकी बची हुई गेंदों पर कामगिरी करनी है 7.3 के बाद। तीन गेंदे हैं, तीन छक्के भी मार सकते हैं, आने वाला पल बताएगा क्या हो सकता है। लॉन्ग ऑन रीजन में खेला है, फिलहाल एक रन के लिए एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। अगला मुकाबला यहां पे टंडेल 11 के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा और धोड़ी 11 के कप्तान को निवेदन करूंगा। टॉस के लिए आ जाएंगे अब। बहुत ही अच्छी तेज गेंद करी थी, तेज स्ट्रोक मारने का प्रयास किया था धर्म ने, लेकिन फिर से एक बार चूक के 0-1 वाली सीरीज चल रही है। यहां पे देखना है कि आखिरी बॉल वन आता है या नहीं। और यहां पे देखो बिल्कुल वहां ही वैसा ही रन होता, लेकिन दूसरे रन के लिए निकलने वाला जरूर है, निकले भी थे लेकिन 0-1 पे समाप्त, पारी समाप्त। यहां पे 69 रन हुए 5 विकेट के नुकसान पर, और जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्यांक यहां पे मिलता हुआ। अच्छा धोड़ी 11 और टंडेल 11 दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए, धोड़ी 11 और टंडेल 11 टॉस के लिए आ जाएंगे। देखना है कि टॉस का बॉस कौन होता है, आने वाला पल बताएगा। धोड़ी 11 और टंडेल 11 प्लीज आ जाए।
अगला मुकाबला दोड़ी 11 तो यहां पे पहुंच चुकी है। टंडे 11 के कप्तान सोहिल भाई प्लीज पहुंच जाए। मुकुल ने पहला सिक्सर की कैचर समय समय के साथ है। देखो यहाँ पे कल दर्शक में से चार कैच किए गए थे। पहला कैच किया था मुकेश ने, दूसरा शौकीन ने, तीसरा दीपू ने और सत्यम ने चौथा किया था। आज वैसे चार कैचर हुए हैं जिन्होंने ये फैंसी घड़ी जो है वॉच जीती है कैच करके। सबसे पहले आज के कमलेश, उसके बाद साजन और कुछ देर के बाद यानी कि बहुत देर के बाद यहाँ पे अभी फिलहाल मुकुल ने जो है कैच किया है, वन हैंडेड कैच किया था। और ये तीन जो है आज के कैचर जो है जिन्होंने बाउंड्री के बाहर जो है कैच लिए है और फैंसी वॉच यहाँ पे हासिल किया है। निवेदन करूंगा हमारे एम्पायर से किरण भाई से कि आकर के टॉस कराएंगे। अभी जो मुकाबला होने जा रहा है वो है टंडेल 11 और दोड़ी 11 के बीच में। तो यहाँ टॉस हो चुका है टंडेल 11 वर्सेस दोड़ी 11। तो जहां मांग किया था स्केल और आया है किंग, दोड़ी 11 जीती है टॉस। अब टॉस का बॉस तो बन चुके हैं लेकिन अब उनका निर्णय सुनना है, तो बता दे आप क्या करेंगे टॉस जीतने के बाद? बैटिंग करेंगे। अच्छा, बल्लेबाजी करेंगे। दोनों टीमें अपना प्रारंभिक मुकाबला आज हारी है, शायद दोनों ही हारी है। दोनों ने अपना डिसीजन दिया था, तो आपने बैटिंग करने का जो सुझाव दिया सुबह में, आपने शायद फील्डिंग लिया था और अभी बैटिंग लिया था, तो उसकी वजह हमें जानना चाहेंगे कैसा है आपका कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने पहले सुबह के एक मैच में फील्डिंग ली थी, जैसे कि रन चेस नहीं कर पाए थे, अभी हम ऐसा सोच रहे कि हमारे टीम की बैटिंग करके अच्छा सा एक लक्ष्य खड़ा करें और अपने सामने वाली टीम टंडेल 11 को वहां तक पहुंचने ना दे, ऐसी हमारी कोशिश जारी रहेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आपका डिसीजन भाई विनल भाई क्या था, आपको क्या करना था, बॉलिंग करना था या बैटिंग करना था, कैसा आप सोच कर आए थे? मेरा वही कहना था कि हम लोग बॉलिंग ही लेंगे टॉस जीत के। ओके, तो दोनों ने जो मांगा वो ऊपर वाले ने दे दिया। तो दोड़ी 11 वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। थैंक यू, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे देखना है कि अभी बैटिंग करने के लिए दोड़ी टीम को जो है चाहिए थी बैटिंग और टंडेल 11 को चाहिए थी पहले फील्डिंग। और इस बीच हर्षल भाई तैयार है, यहाँ पे खेल दिया है ऑन साइड में, एक रन के लिए निकल पड़े, सीधा निशाना स्टंप के ऊपर मारा था लेकिन बाजू से निकल गई और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो रन। टीम का स्कोर इसी के साथ दो रन। अच्छा प्रयास था यहां पे, अच्छा प्रयास, फील्डिंग भी काफी अच्छी करी थी।
देखा है, न्यूट्रल पे देखा है, तारो देखा है अंदर, स्क्रीन बदलवा पड़े। और इस बार उठा करके बैठ करके मारा है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, ये अच्छा कैच हो सकता है। और ये देखो साजन भाई ने बहुत ही अच्छा कैच किया। वार्म अप भी हो गया और फैंसी वॉच भी मिल गया। और यहाँ पे देखो अनुभव वही काम में आ गया, पिछले कदम से दौड़े, यहाँ पे उल्टे पांव दौड़े और यहाँ पे एक आसान सा कैच कर लिया। तो ये पहला विकेट चार रन के योग पर यहाँ पे काम ले उनको लगने वाला पहला झटका, 70 रनों का टारगेट उसके जवाब में। लोकेशन है बल्लेबाज, टीम के कप्तान लोकेश वन डाउन के रूप में उतरे हैं। और ये देखो आते ही लॉफ्ट हेड शॉट खेला है, पावर प्ले का फायदा उठाने का कोशिश जो था और वो ही किया यहां पे, बस गेंद को निकाल दिया। गेंदबाजी करने के लिए हैट्रिक गेंदबाज, और ये अच्छी बॉल थी लेकिन उसको भी रनों में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे ओवर थ्रो यहां पे हुआ लेकिन बैकअप में फील्डर वहां पे तैनात थे। तो पहले ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। ब्रिजेश पटेल एक रन पर और लोकेश टीम के कप्तान जिन्होंने 5 रन बनाया है। पहली बॉल पे सिंगल आया, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे डबल, फिर चौथी पे विकेट और उसके बाद पांचवी पे चौका आया। पहली बॉल पे चौका मारा था और आखिरी बॉल पे ए सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 9 रन जबकि 70 रनों का टारगेट है, 8 ओवरों में 70 रन चाहिए। मैदान पर एकमात्र व्यक्ति के जेने हजी सुधी ठंडी लगती थी और हवे ठंडी यानी उड़ी से। हाँ ये तो हमारा स्पोर्ट्स का जैकेट था, बोलो ना, आदत से मजबूत, जो पहले ऊंट का काफिला चलता था रण में, तो छोटे ऊंट को दो रन है एक विकेट के नुकसान पर। सामने की ओर संदीप भाई आए हैं, हल्के हाथों खेला था एक रन के लिए लेकिन यहाँ पे रन तो नहीं बनेगा लेकिन कोई नुकसान भी नहीं। यहाँ पे कप्तान टीम के जिनको पता है कि भाई 70 रनों का टारगेट है 8 ओवर में, तो टारगेट के ऊपर भी रहना पड़ेगा, विकेट भी बचाना पड़ेगा, संभल करके भी खेलना पड़ेगा। संदीप भाई फिर से एक बार तैयार सामने की ओर से। और इस बार सुंदर तरीके से बॉल बैक ड्राइव मारने का प्रयास किया यहां पे लेकिन गेंद नीचे नहीं रख पाए अपने फॉलो थ्रू में। अच्छा
फील्डर के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास था। यहाँ पे देखना है कि दोनों अंपायर में आपस में बातचीत करी और यहाँ पे डिसीजन आता हुआ। और इसी के साथ यहाँ पे जो है आउट, ये दूसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, दूसरा विकेट। बहुत सुंदर यहाँ पे अंपायरिंग, दोनों अंपायरों ने सूझबूझ के साथ देखा, परखा और फिर उसके बाद आउट दिया। तो बहुत बड़ा विकेट यहां पे गिरता हुआ टीम के कप्तान का, बॉलर के सर के ऊपर से मारने का प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब रहे और अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छा कैच यहां पे। नए बल्लेबाज यस आए हैं। हो यहाँ पे देखो संदीप भाई कोई भी मौका नहीं दे रहे और इसी के साथ देखो यस को क्लीन बोल्ड कर दिया। सामने की ओर से संदीप, ये सातवें गेंदबाज होंगे जो हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे। सातवें इस टूर्नामेंट के सातवें गेंदबाज जो कि हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे और सामने अनुभवी अरविंद भाई कामली। देखना है कि संदीप भाई किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे यहां पे। और यहां पे देखो बहुत ही जबरदस्त स्वीप, युवा और युवा के सामने अनुभवी। कवि त्या पहुंचे कवि अने ज्या कवि ना पहुंचे त्या पहुंचे अनुभवी। तो ये अनुभवी अरविंद भाई ने देखो जहां पे हैट्रिक पे टेंशन में थे वहां पे चौका मार दिया। और ये रिवर्स भी मारने का प्रयास किया था अरविंद भाई ने, सीधे बल्ले से शुरुआत तो काफी अच्छी करी थी। इस बार देखा कि यहाँ पे खुली जगह है थर्ड मैन एरिया में, लाओ ना फिर बहती गंगा में हाथ धो लेते, ये प्रयास करने गए थे लेकिन गेंद और बॉल का जो है संपर्क, बॉल और बैट का संगम नहीं करा पाए, कोई रन नहीं चार रन पर खेलते हुए। ये ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, इस बार संदीप भाई ने बहुत ही ज्यादा ऑप्शन से बाहर करी
अंपायर का इशारा आता हुआ। व्हाइट का और व्हाइट के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 14 रन। और इस बार आगे निकल करके खेला है, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक है, क्या ये 4 निकल जाएगी या नहीं, और ये बड़े आसानी के साथ ये निकल गई 4 रनों के लिए। की आवश्यकता है, आज लाइन बराबर छे, पेला करता ओपन बॉलर ये बराबर छे, जाल है वेज रखते ભી હારું છે પણ તમારા માટે હારું દેખાય નહીં એટલે યુવા લોકો જોઈ શકે મને ફાફા મારો પડે એને બીજો કોઈ કલર નહીં બદલાય ઉપેન ભાઈ આયા હે ગેંદબાજી કરને કે લિયે સીધા ખેલા હે કવર કે ફિલ્ડર કે પાસ બિના કોઈ રન કે લિયે उन्नीस पे 3 2.1 ओवर की समाप्ति के बाद। बड़ा हिट करने का प्रयास यहां पे, बड़ा हिट मारने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं करा पाए। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं उपेन भाई, कोई मौका नहीं दे रहे, छूट का मौका नहीं दे रहे। अभी तक 19 रन है टीम का स्कोर है। और ये यहाँ पे देखो अगली बॉल, यानी कि इस पारी की दुख है, चौथी बॉल थी जहां पर 1 रन बना है, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। उपेन भाई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 4 गेंदे कर चुके हैं, 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना है, बराबर के बल्लेबाज को बांधे रखा है, देखना है कि अभी पहली बार उनके सामने। और ये बड़ा हिट हवाई फायर किया है, क्या ये दर्शक में जाता है और क्या ये कैच हो पाता है, ओह माय गुडनेस, ये तो छोड़ा है हमारे प्लेयर ने। जब आए थे तभी टीम तकलीफ में थी, जब हैट्रिक बॉलिंग करने के लिए गेंदबाज तैयार थे हर्षल, और ये जैसे ही आया देखो यहां पे पहली बॉल पे चौका जड़ दिया, उसके बाद यहां पे देखो आगे बढ़ते गए, दूसरी बॉल पे भी मारा और अभी छक्के के साथ 14 रन पे पहुंचे हैं। उनके रडार में आता है तो बेल जाता है, बॉल जाता है हवा में, क्या ये आउट या छे, देखो यहाँ पे अच्छे बैलेंस के साथ यहाँ पे आउट किया है।
ફિલ્ડર પર જાય તો એક નામ બોલી લેવાનું એટલે અમે રનિંગ હા તમારે તો બોલી દેવાનું કે રનિંગમાં કવર થઈ જાય तो हर्षल भाई ने काफी अच्छा कैच किया है 25 पे 4 यहाँ पे लगने वाला तीन ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 25 रन है अब 30 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। प्रीत आया है बल्लेबाजी करने के लिए लेफ्टी बॉलर और लेफ्टी बैट्समैन कल काफी अच्छा प्रदर्शन किया था प्रीत भाई ने और मनोज आया है गेंदबाजी करने के लिए और ये आते ही पहली बॉल खेला है डीप कवर रीजन में एक रन मिलेगा यहाँ पे और एक खे साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। उनतीस बॉल जीत के लिए 44 रन चाहिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने देखो गेंद को लपेट में लिया है लेकिन सीधे फील्डर के पास खेला है इसीलिए एक ही रन मिलेगा। एक ही मिलेगा और एक के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद 26 पे 4 और ये सुंदर शॉट है लेकिन प्लेसमेंट नहीं है सीधे धर्म के पास और धर्म ने देखो एक हाथ से ही फील्डिंग करते हुए सीधा थ्रो मार दिया। रन नहीं लिया गेतला ना एक 28 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौथे ओवर में और यहाँ पे हल्की सी अपील हुई है एक रन के लिए निकले हैं दोनों बल्लेबाज लेखभाई के रूप में एक रन आता हुआ। अंपायर जीतू भाई पटेल का इशारा लेखभाई का और इसी लेखभाई के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में। सेवा दल तैयार रहे ड्रिंक्स के लिए और ये अच्छा शॉट फिर से अच्छा शॉट यहाँ पे एक मिलेगा। डीप कवर के फील्डर जो है काफी चौकन्ने हैं देखो यहाँ थोड़े से हट जरूर गए थे लेकिन यहाँ पे मन मना लिया था कि इस बॉल पे हम एक ही लेंगे और जहाँ पे आपकी इच्छा वही होती है तो वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तीन दशमलव पांच ओवर 30 रन 25 में 40 और ये देखो बहुत बहुत ही मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट प्रीत के बल्ले से इस बार।
की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 36 रन और जीत के लिए आने वाले 24 गेंदों में 34 रन चाहिए। अभी बनाए 36 और आने वाले 24 गेंदों में जीत के लिए चाहिए एग्जैक्टली 34 रन। आने वाला पल बताएगा कि दो रन आने वाले चार ओवर में कम बनाने हैं, जबकि अभी आपने बनाए हैं 36 रन। उपेन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, चार में 36 और अब चार में 34 चाहिए। आप देते हो ना सबको, मुझे भी चाय दो ना, ठंडा प्रदान किया तो चाय भी, गरम भी, ठंडा किया तो गरम भी चाहिए, दमन तो नहीं, तो फिर दमन जिसके लिए प्रख्यात है ऐसे, तो यहाँ तो ऐसे भी शाम को क्यों, शाम को तो दूसरा काम होता है। और ये पहली बॉल के साथ यहाँ पे शुरुआत करी है, एक रन मिलेगा, टहलते हुए दोनों बल्लेबाज ने एक रन पूरा कर लिया। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ चार विकेट के नुकसान पर 34, चार विकेट के नुकसान पर 37 रन, 34 की आवश्यकता थी, अब जीत के लिए 33 रनों की आवश्यकता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज फिर से एक बार स्ट्राइक पर है, प्रीत कामली अपनी पिछली बॉल पे छक्का मारा था, देखना है कि ये बॉल उनको मिली है, क्या कर पाते हैं आने वाला पल बताएगा। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, विफल रहे बल्लेबाज, अच्छी बॉलिंग के साथ यहां पर रोका है बल्लेबाज को। उपेन काफी अच्छे गेंदबाज है, 1.1 ओवर में 8 रन खर्चा करके 1 विकेट चटकाया है, अब वो तैयार है, सामने प्रीत भी तैयार है, इसे उछाल करके मारा है, गेंद देखना है कि नो मैन लैंड एरिया में जाकर के गिरी है, सभी फील्डरों के बीच में समान सा अंतर था, कोई भी पहुंच नहीं पा रहा था, तीन फील्डर के बीच में से यह गिरती हुई। उनतालीस टीम का स्कोर 39, 5 गेंदों में 9 पे पहुंचे हैं। प्रीत कामली सुंदर शॉट फिर से एक बार, सुंदर शॉट है, मिड विकेट की ओर खेला है, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं है और इसी के साथ एक ही रन मिलेगा। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 40 रन, 4.4 ओवर की समाप्ति के बाद। फिर से एक बार यहाँ पे उपेन अपने बॉलिंग मार की ओर आगे बढ़ते हुए सामना करेंगे फिर से यहाँ पे ब्रिजेश पटेल, 9 गेंदों में 6 रन बनाकर स्ट्राइक पर। अब सबसे थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, जाने दिया विकेट कीपर के लिए और अंपायर ने कहा कि ये जो है वाइड था, और इसी के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 41 रन। जीत के लिए 20 में 29 चाहिए थे, अब 19 गेंदों में 29 रन चाहिए।
गेने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, ये देखो इसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जैसे ही बल्ले के साथ टकराया और सीधे विकेट कीपर के पास गई, कैच हुआ, बल्लेबाज निकल पड़े, अंपायर का इशारा का कोई इंतजार। किया यहाँ पे जैसे ही गेंद बल्ले का किनारा लिया और सीधा ही उन्होंने लपक लिया, तो 5 विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, 18 गेंदे शेष है और जीत के लिए 29 रनों की आवश्यकता है। अब आए हैं संदीप भाई सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए। संदीप भाई आए हैं, नए बल्लेबाज क्योंकि ओवर हो चुकी है इसलिए भूपेंद्र नॉन साइकिल पर रहेंगे। संदीप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे प्रीत भाई, 6 गेंदों में 10 रन मारकर बल्लेबाजी करते हुए। 18 गेंदे यानी कि 3 ओवर में 29 रनों की आवश्यकता है। देखना है कि धर्म भाई किस प्रकार की अपनी सेना से कामगिरी करा लेते हैं और ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, यहाँ से पता चल जाएगा कौन सी टीम कहाँ पर जाएगी और कहाँ पर रुकेगी। और ये पहली बॉल यहाँ पे कोई रन नहीं बनेगा, 17 में 29। लवली शॉट, बहुत ही सुंदर आकर्षक स्ट्रोक यहाँ पे, बहुत ही लंबा यहाँ पे। प्रीत के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पे देखो मौका भी था, ये रन आउट का चांस यहाँ पे। अड़तालीस रन सीधे बल्ले से घुमा देना चाहते थे, इलेक्शन से बाहर टप्पा खाया, अंपायर का इशारा आता हुआ 49 वाइड और 1 वाइड के साथ 49 पे 5। हल्के से यहाँ पे गेंद को स्टीयर करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हो पाया है। 1-50 टीम का स्कोर 49।
सीधे बल्ले से इस बार खेल दिया है, एक रन के लिए निकले हैं। क्या वक्त है दूसरे रन के लिए? जी तैयार नहीं है दूसरा रन लेने के लिए, जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक ही मिलेगा, एक के साथ 50, इसी के साथ 50, 50 अब। बची हुई गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। बड़ा हिट मारने का प्रयास यहां पे, सवाल या निशान, हाउस एट। और इसी के बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट गिरा। 12 में 20, 50 पे 6। हर्षल भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने केवल, जो कि नॉन सेकंड पर रहेंगे क्योंकि ओवर हो चुकी है। सुंदर बॉलिंग यहां पे, लेकिन ऑप्शन से बाहर, दिशा थोड़ी खराब रही और जिसके कारण यहां पे वाइड घोषित कर लिया। इसी के साथ 12 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। अच्छी बॉल थर्ड मैन से निकालना चाहते थे। एक और वाइड यहाँ पे, एक और वाइड, ऑप्शन से थोड़ी फिर से एक बार दिशा जो है खराब रही हर्षल पटेल की। अब 12 में 18 जीत के लिए। कप्तान धर्म कुछ समझा रहे हैं कि देखो भाई एक्स्ट्रा चले गए हैं, दो बॉल पे 2 रन, ओवर तो पूरा ही बाकी पड़ा है, कुछ ऐसा करो कि जहां के सामने से कुछ फायदा भी ले। एक और वाइड यहां पे, हैट्रिक वाइड की होती हुई। हाँ देखो, हैट्रिक विकेट लेते हैं तो इनाम जो कि लिया था हर्षल ने, और ये हैट्रिक यहां पे वाइड करी है, शायद इसके ऊपर इनाम होता तो ये इनाम के हकदार हो जाते। और हैट्रिक छक्के लगातार, 3 गेंदों में 3 छक्के मिले, मारेंगे तो 2100 मिलेगा। हैट्रिक वाइड के इसलिए इनाम नहीं दिया जाता क्योंकि वो अच्छी काम नहीं, गिरी नहीं होते, टीम के सहायभूत नहीं होती है, ऐसे कामगिरी होती है, इसलिए जहां पे खराब काम होता है उसके ऊपर इनाम नहीं दिया जाता है। इस बार हवाई फायर, क्या ये दर्शक के लिए होगा? आसपास कोई दर्शक नहीं है और देखो 6 के साथ यहाँ पे एंजॉय करते हुए बल्लेबाज।
दोनों की आवश्यकता है। एक और उठा करके मारा है, एक और उठा करके मारा है इस बार फील्डर के हाथों में यहाँ पे हर्षल भाई ने, कि जब तक बल्लेबाज डेंजर हो जाए भूपेंद्र भाई उनको आउट करा करके भेज दिया है। प्रभात भाई ने अच्छा कैच किया यहां से, इसी से एक और विकेट गिरता हुआ। दस गेंदे ग्यारह रन, दस गेंदे ग्यारह रन जीत के लिए नए बल्लेबाज परेश कामली। अच्छी वापसी यहां पे, अनप्लेबल बॉल नए बल्लेबाज के लिए। नौ गेंदे ग्यारह रन जीत के लिए, नौ में ग्यारह है, अभी भी वाइड ओपन है मैच। और इस बार बड़ा हिट मारा है, डाउन द ग्राउंड मारा है, दो फील्डर के बीच में से निकालने का प्रयास किया है लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन कामयाब इतना हुए कि दो रन यहां पे पिछली गेंद पर बन गए। अबे आठ मानो, सीधा खेला है ऑन साइड में, बैकअप में वहां फील्डर तैयार है लेकिन एक ही मिलेगा। सात गेंदे और जीत के लिए आठ रनों की आवश्यकता है अभी। काउंट डाउन चालू है यहां पे, सात गेंदों में आठ रन चाहिए, कहने के लिए दो चौके मारो काम तमाम, लेकिन कहना उतना आसान है। खतरनाक गेंदबाज हर्षल हमसे दूर जाते हुए, और इस बार उठा करके इनसाइड आउट मारा था लेकिन ये फिर से एक बार एक ही मिलेगा। आखिरी ओवर छह गेंदों में सात रन, आखिरी ओवर में जीत के लिए छह गेंदों में सात रन चाहिए। अब आखिरी ओवर यहां पे, छह गेंदों में सात रन जीत के लिए चाहिए। मनोज आया है बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए मनोज आया है, कल के जो है मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। हाँ
और यहाँ पे लेग स्टंप से बाहर निकाल देना चाहते थे इस गेंद को, यानी ऑन साइड यहाँ पे निशाना था बल्लेबाज का, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तेजी से गोली की रफ्तार से निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में। एक और कड़क गेंदबाजी, एक और कड़क सटीक लाइन और लेंथ के साथ। मनोज के सामने इतना आसान नहीं है भाई रन बनाना, लेकिन बल्लेबाज अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये क्लीन बोर्ड, यहाँ पे क्लीन बोर्ड, यहाँ पे मनोज ने क्लीन बोर्ड कर दिया। राइफल दिखा तीन गेंदों पे छह रनों की आवश्यकता है, छह में सात चाहिए थे, लेकिन परिस्थिति देखो कहां पे पहुंची है, 64-8। तीन में छह आते ही पहली गेंद पे एक रन के लिए दौड़े हैं, दूसरे के लिए निकल पड़े जरूर थे, लेकिन मौका नहीं है यहां पे। दो गेंदे जीत के लिए पांच रन। ये अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा है, बहुत ही अच्छा रोका है, बहुत ही अच्छा रोका है, कमाल की फील्डिंग यहां पे हर्षल भाई ने, कमाल की फील्डिंग करी है यहां पे। मैन ऑफ द सीरीज में ये सारी काउंट होंगी। अब एक गेंदे आखिरी बॉल बची है और तीन रनों की आवश्यकता है, रन तो लगभग आवश्यक नहीं है, इसलिए चौको तो मारवो पड़ से या छग्गो मार से, ये आने वाला पल बताएगा। और चेस टू विन है, यानी कंपलसरी आपको चेस करना है, ये एज पर रूल्स, तो तीन तो आपको लेने ही पड़ेगी कोई भी हाल में, कोई भी हाल में तीन तो लेने ही पड़ेंगे। एक बॉल तीन रन जीत के लिए, बहुत ही सुपर गेंदबाजी यहां पे मनोज के द्वारा, जहां पे छह में सात चाहिए थे, अब एक बॉल में तीन रनों की आवश्यकता है, कमाल की गेंदबाजी। एक पे तन है, तीन है, बल्ले पे लिया है, बल्ले पे लिया है, और कंपल्सरी चेस टू विन है, और यहां पे देखो, यहां पे देखो देखो यहां पे क्या होता हुआ भाई, चतुर खिलाड़ी कुछ भी कर लेते हैं यहां पे।
दो रन चुरा लिए थे, तीसरा चाहिए था, तीसरा हो नहीं पाया, चेस टू विन वाली बात थी। और इसी के साथ ये मुकाबला देखो यहाँ पे, ये मुकाबला यहाँ पे कांटे की टक्कर के साथ समाप्त हुआ है। चंद्रका सर, रजनीकांत सर, मैंने पहले ही कहा था कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की फैंसी कप में कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ पे नतीजा है, यहाँ पे कोशिशें दोनों टीम ने करी है, लेकिन जिसने अच्छी कोशिश करी, अच्छी कामगिरी करी, उनकी जीत हुई है। कोशिशें हमेशा कामयाबी कामयाबी दिलाती है। Thank you.